पूरी बॉडी से चर्बी निकालेंगे और आसान एक्सरसाइज करेंगे। अब आसान एक्सरसाइज तो आपसे की जाती है ना, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी को खूबसूरत शेप में ले आते हैं तो आप कितने खूबसूरत लगेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपने 20 से 25 मिनट की तेज वॉक कर ली। अब आके पहली एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, आपने सिंपल जंप्स करने। कितने? 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 50 जंप्स करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, सेट नंबर 1, 50 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। ये हो गया आपका पहला सेट। अब हम पूरे 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे, 10 सेकंड से ज्यादा रेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है। अभी तो आपने पहला सेट लगाया और सिर्फ 50 जंप्स किए, और जब पूरे 10 सेकंड का रेस्ट हो जाएगा तो इसका दूसरा सेट सेम इसी तरह हम 50 जंप्स ही लगाएंगे, ना कम लगाएंगे ना ज्यादा लगाएंगे, इतने ही लगाएंगे। हो गया 10 सेकंड का रेस्ट, बातें करते करते सेट नंबर 2, 50 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 50। ये हो गया आपके दो सेट, इधर ही खड़े रहेंगे और पूरे अब 15 से 20 सेकंड का रेस्ट लेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी हमारा रेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। इसलिए 15 से 20 सेकंड का जब रेस्ट हो जाएगा, वैसे भी बातें करते करते हो ही जाएगा, मैं बातें करता ही इसलिए हूँ कि आपको वीडियो पॉज करने की जरूरत ना पड़े और आप उतनी खड़े खड़े मेरी बातें सुनें और जितनी मैं बातें कर रहा हूँ उतना ही रेस्ट ले लें और उसके बाद अगले सेट के लिए रेडी हो जाए। सेट नंबर 3 लगाते हैं, 50 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 50। ये हो गया आपकी पहली एक्सरसाइज। 2 मिनट का रेस्ट लेना है आपने एक्सरसाइज नंबर 1 के बाद। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। इसके भी 3 सेट हैं, हर सेट में 30 रेपिटेशन लगाएंगे, वो भी जंप्स ही करेंगे। पहले तो हमने सिंपल जंप्स की थी ना, अब हम साइड टू साइड जंप्स करेंगे और पूरे 30 रेपिटेशन लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, सेट नंबर 1, 30 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गया आपका पहला सेट। हम पूरे 20 सेकंड का रेस्ट लेंगे, ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे और इसका दूसरे सेट की तरफ जाएंगे, वो भी हम 30 जंप्स ही लगाएंगे और साइड टू साइड जंप्स करेंगे। ठीक है, बेशक अगर आपसे ज़्यादा बड़े जंप्स ना किए जाएं तो छोटे छोटे जंप्स कर लें, वो भी चलेगा, लेकिन चलेगा, शर्त ये कि करें ज़रूर जब पूरे 20 सेकंड का रेस्ट हो जाएगा। तो इसका दूसरा सेट 30 जंप्स ही लगाएंगे। सेट नंबर 2, 30 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गया आपके दो सेट। 20 सेकंड का ही रेस्ट लेंगे, कोशिश करेंगे कि 20 सेकंड से ज्यादा रेस्ट ना लें। हाँ, अगर आपको ज्यादा सांस चढ़ के, क्योंकि आज थोड़ी सी जंपिंग है इस एक्सरसाइज में, क्योंकि अभी एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी जाएगी, अगर आपको 1 मिनट तक का रेस्ट चाहिए होगा, कुछ लोगों को चाहिए होता है तो वो ले सकते हैं, लेकिन फिर 1 मिनट आपने क्रॉस नहीं करना, इसका फिर आपका स्टेमिना बिल्डअप नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ तक आपको दे देता हूँ कि अगर 1 मिनट से अंदर अंदर जितना आप रेस्ट लेना चाहें, मैं तो अभी 20 सेकंड कह रहा हूँ ना, अगर आप 30, 40, 50 तक का रेस्ट लेना चाहें या 1 मिनट तक रेस्ट लेना चाहें, आप ले सकते हैं। और एक मिनट के अंदर अंदर जितना रेस्ट हो गया, आप तीसरे सेट की तरफ आते हैं, वो भी 30 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये होगी आपकी दो एक्सरसाइजेस। 2 मिनट का रेस्ट हो गया, अब एक्सरसाइज नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी अपर बेली और लोअर बेली को ही कवर करती है। आपने दोनों हाथ अपने ऊपर करने, ठीक है, पहले राइट हैंड लेफ्ट पाँव को टच करेंगे, जितना ज़्यादा मैक्सिमम क्लोज लेके आ सके, फिर लेफ्ट हैंड
राइट पांव को टच करेंगे जितना मैक्सिमम क्लोज लेके आ सके। तीन सेट लगाएंगे, हर सेट में 20 रेपिटेशन लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 3, सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया आपका पहला सेट। अब हम पूरे 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 50 सेकंड का या एक मिनट तक का रेस्ट लेंगे। एक मिनट से अंदर अंदर जितना आप रेस्ट लेना चाहें या पूरे एक मिनट तक का रेस्ट लेना चाहें। इसका दूसरा सेट हम पूरी कोशिश करेंगे 20 रेपिटेशन लगाने की। हाँ, अगर आप समझते हैं कि ये 20 काम है आपके लिए, कोई मसला नहीं, आप 30 भी कर सकते हैं, अगले सेट में आप 40 भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बेसिक बता रहा हूँ कि अगर 20 इतने भी लगा लेंगे ना, तो बस लगा लेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो एक्सटेंड कर सकते हुए अगर आप कर सकते हैं तो फिर आपने लाजमी करने। सेट नंबर 2 लगाते हैं, 20 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया आपके दो सेट। इधर ही रहेंगे और पूरे 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 50 सेकंड का रेस्ट लेंगे और इसका तीसरा सेट लगाएंगे, वो भी सेम 20 का लगाएंगे। अगर आप चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं रेपिटेशंस को, और अगर चाहें तो सेट को भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम एक एक्सरसाइज के जो मैक्सिमम सेट लगते हैं ना, वो 4 सेट लगते हैं, और जो बहुत अच्छे सेट लगते हैं क्योंकि बाकी लंबी एक्सरसाइज भी आपने करनी होती है, तो 3 सेट फिर इनफ होते हैं। और सबसे छोटी छोटी जो एक्सरसाइज आपने करनी होती है कि जी आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर 2-2 सेट हर एक्सरसाइज के लगा लें, वो भी चलेगा। लेकिन शर्त यह कि लगाएं फिर ज़रूर, लेकिन बहरहाल अपने आप को टाइम देंगे तो तभी बॉडी जल्दी स्मार्ट होगी। सेट नंबर 3 लगाते हैं, 20 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया आपकी 3 एक्सरसाइजेस। 2 मिनट का रेस्ट हो गया। अब इस एक्सरसाइज नंबर 4 में पकड़ते हैं आपके साइड फैट को। हाथ आपने बिल्कुल ऊपर कर लेने हैं, साइड टू साइड टच करेंगे, ठीक है, मिडल में लाके दोनों को टच करेंगे, फिर मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपके साइड पे। 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 20 रेपिटेशन लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये होगा आपका पहला सेट। इधर ही रहेंगे और पूरा वेट करेंगे हम कितना, 20 सेकंड का। ज्यादा रेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि इसमें अभी इस एक्सरसाइज में कोई जंपिंग तो है नहीं, सिंपल खड़े खड़े एक्सरसाइज करनी है, लेकिन मैक्सिमम प्रेशर पड़ता है आपके साइड पे, ये साइड को, लव एंडर्स को, वेस्ट लाइन को बड़ी जल्दी अंदर करती है अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो। बहरहाल रोजाना एक ही एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं हर वीडियो में एक्सरसाइज चेंज कराता रहता हूँ। बहरहाल ये तो मेरी क्लासेस चल रही हैं, आज क्लास 90 होगी भी, या सिर्फ 10 क्लासेस और रह गई हैं, फिर मैं डिफरेंट पैटर्न से एक्सरसाइज लेके आऊँगा। बहरहाल इसका सेट नंबर 2 लगाते हैं, पूरे 20 सेकंड के रेस्ट के बाद 20 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया आपके 2 सेट। इसका आखिरी सेट लगाएंगे, वो भी 20 रेपिटेशन का लगाएंगे और पूरी हिम्मत करेंगे। एक्सरसाइज के बीच में या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कभी भी पानी नहीं पीते। अगर आप पानी पी लेंगे तो आपके पेट में दर्द हो सकती है, जिसकी वजह से जो नुकसान आपको देखने को मिलेगा वो ये कि आप एक्सरसाइज पे छोड़ देंगे, पेट में दर्द लग जाएगी, फिर आप बैठे रहेंगे। बेहतर ये कि एक्सरसाइज करने के फौरन बाद आप पानी पी सकते हैं, मतलब कि बहुत सांस अगर चढ़ रहा है तो 5 मिनट वेट करें, फिर आराम से पानी पी लें, और पानी भी आराम आराम से पिए, यानी कि 1 लीटर बोतल आपने एक ही वक्त में ख़त्म कर दी नहीं, आराम आराम से पिए, ठीक है। वैसे भी पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक इंसान को 2 लीटर पानी लाजमी पीना चाहिए आराम आराम से,
पर आज सेट नंबर 3 लगाते हैं 20 रेपिटेशंस। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया आपकी 4 एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 5 आपकी लेग से फैट को रिड्यूस करती है। आपने सिंपल साइड टू साइड किक्स मारनी है, लेकिन जब किक मारेंगे तो ढीली टांग रख के मारिएगा, आपकी टांग पे वाइब्रेशन होगी। वो जो वाइब्रेशन होगी ना, वही आपकी टांग में से फैट को रिड्यूस करेगी। 2 सेट लगाएंगे, हर सेट में 100 किक्स लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5, सेट नंबर 1, 100 किक्स। स्टार्ट 100। ये हो गया आपका पहला सेट। इसमें आपको सांस नहीं चढ़ेगा, लेकिन कुछ लड़कियों को, मेरी माओ बहनों को चढ़ सकता है सांस। तो मैक्सिमम जो रेस्ट लेंगे 20 सेकंड से ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे। हाँ, अगर 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब पूरे 10 सेकंड का रेस्ट हो जाएगा या 20 सेकंड का रेस्ट हो जाएगा, तो बगैर टाइम वेस्ट किए उधर ही खड़े खड़े इसका दूसरा सेट भी लगाएंगे, पूरे 100 किक्स ही लगाएंगे। सेट नंबर 2, 100 किक्स। स्टार्ट 100। ये हो गया आपकी 5 एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 6 आपकी लोअर बेली के लिए और आपके आर्म्स और शोल्डर फैट के लिए। हाथ आपने बिल्कुल ऊपर करने हैं और नीचे लाके अपने पांव को टच करना है। टच करेंगे तो फिर प्रेशर पड़ेगा आपकी लोअर बेली पे, और जो ऊपर से नीचे लेके हाथ आ रहे हैं और वापस ऊपर लेके जा रहे हैं तो प्रेशर पड़ेगा आपके शोल्डर पे, और फैट रिड्यूस होगा आपके शोल्डर से और आपके आर्म्स में से। 3 सेट लगाएंगे, हर सेट में 20 रेपिटेशन लगाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 6, सेट नंबर 1, 20 रेपिटेशन। स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20।
ये हो गया आपका पहला सेट। ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे, इसमें भी ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे, पूरे 20 सेकंड का या 25 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अगर उससे भी कम ले सकते हुए तो वो बहुत अच्छी बात है। और जब पूरे 20 सेकंड का, 25 सेकंड का, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 50 सेकंड का या एक मिनट तक रेस्ट हो जाएगा, तो इसका दूसरा सेट सेम इसी तरह हम 20 रेपिटेशन ही लगाएंगे। अगर मैं आपको 20 लगा के दिखा रहा हूँ, ये बेसिक्स है, क्योंकि अगर आप चाहें तो इसको 30 या 40 नेक्स्ट सेट में 50 तक लेके जा सकते हैं, या आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। सेट नंबर 2, 20 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये हो गया आपके दो सेट। पूरे एक मिनट तक का रेस्ट लेंगे, क्योंकि आपके ये इस एक्सरसाइज से आपके ये शोल्डर्स, टांगे तो इतनी नहीं थकेंगी, लेकिन आपके ये शोल्डर्स और ये आर्म थोड़े से थकेंगे। तो फिर आपने एक मिनट तक का रेस्ट लेना है, क्योंकि जब एक मिनट तक का रेस्ट लेंगे तो अगले सेट के लिए आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी कि आप पूरे 20 रेपिटेशन लगा पाएं। अगर आप सेट को इंक्रीज कर रहे हैं, मैं 20 लगा के दिखा रहा हूँ, आप नेक्स्ट सेट में 30 तक पहुँच रहे हैं, 40 तक पहुँच रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। तो इतना स्टैमिना आपके अंदर होएगा, आहिस्ता आहिस्ता स्टैमिना बिल्डअप होता है, और सेट को, रेपिटेशन को आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इंक्रीज करना ही चाहिए, जो कि अच्छी बात है। सेट नंबर 3, 20 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। योगी आपकी 6 एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 7 भी आपके आर्म्स फैट के लिए और आपकी लोअर बेली के लिए। अब इस एक्सरसाइज में दो चीजें इस्तेमाल होंगी, एक तो आपकी हाई नी होगी, ठीक है, दूसरा अपने हाथों को क्रॉस करना है। किस तरीके से? हाई नी तो हो रही है, टांग को ऊपर लेके आएंगे, हाथ को खोल देंगे, जब टांग को नीचे करेंगे तो क्रॉस करेंगे, और दूसरी टांग तब तक ऊपर लेके आ रहे होंगे और हाथ को खोल देंगे, इस तरह लगाएंगे इसके एक सेट के अंदर 30 रेपिटेशन। टोटल लगाएंगे हम 3 सेट। एक्सरसाइज नंबर 7, सेट नंबर 1, 30 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गया आपका पहला सेट। इधर ही खड़े रहेंगे और पूरे हम इसमें भी ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे, मैक्सिमम जो रेस्ट लेंगे वो 30 सेकंड के रेस्ट लेंगे। अगर आप ज़्यादा रेस्ट लेना चाहें, आपको बहुत सांस चढ़ गया है, बहुत पसीने निकल आए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, तो फिर आप एक मिनट तक रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन जो थोड़ी बड़ी एज के लोग हैं और मेरे जैसे, और वो 2 मिनट तक रेस्ट ले सकते हैं। लेकिन जो जवान है और जो टीनेजर है, वो जितना रेस्ट कम लेंगे उतना उनके लिए अच्छी बात है। तो एक मिनट तक का रेस्ट, या एक मिनट से नीचे नीचे तक का रेस्ट, या 30 सेकंड का रेस्ट हो गया इस सेट टू सेट। सेट नंबर 2 लगाते हैं, 30 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये हो गया आपके दो सेट। पूरा एक मिनट तक का रेस्ट लेंगे, या फिर 40 सेकंड या 50 सेकंड तक का रेस्ट लेंगे, और उसका तीसरा सेट सेम इसी तरह हम 30 रेपिटेशन का लगाएंगे। अगर आप लगाना चाहें, अगर आप समझते हैं कि 40 रेपिटेशन तक आप पहुंच सकते हैं, तो फिर आपने पहुंच जाना। आप 50 तक भी लगा सकते हैं, आप 60 तक भी लेके जा सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेट को इंक्रीज कीजिएगा, वो बहुत अच्छी बात है। सेट नंबर 3, 30 रेपिटेशन स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30।
ये होगी आपकी 7 एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज नंबर 8 और आखिरी एक्सरसाइज के भी 3 सेट लगाएंगे, जो स्टार्टिंग में की थी वही एंड में लगाएंगे। सिंपल जंप्स, हर सेट में 50 जंप्स करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8, सेट नंबर 1, 50 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ये होगा आपका पहला सेट। ज्यादा रेस्ट नहीं लेंगे, पूरे 10 सेकंड का रेस्ट लेंगे और पूरी हिम्मत करेंगे। जब पूरे 10 सेकंड का रेस्ट हो जाएगा तो आपका दूसरा सेट सेम इसी तरह 50 जंप्स ही लगाएंगे। मैं अपनी फिंगर टिप्स पे 10 सेकंड काउंट कर रहा हूं ताकि आपका ध्यान इधर लगा रहे। सेट नंबर 2, 50 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 39, 50. ये हो गया आपके 2 सेट। पूरी हिम्मत करेंगे और इसका तीसरा और आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी सेट भी हम पूरे 10 सेकंड के रेस्ट के बाद हम 50 जंप्स ही लगाएंगे। जब पूरे 50 जंप्स हो जाएंगे तो उसके बाद आप आराम से बैठिएगा, पानी पिएगा, टीवी देखिएगा, रेस्ट कीजिएगा। लेकिन आखिरी सेट के लिए पूरी हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। लेकिन पूरे 10 सेकंड के रेस्ट के बाद सेट नंबर 3, 50 जंप्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. ये होगी आपकी फुल बॉडी फैट लॉस एक्सरसाइज। मेरे पास और बहुत ज्यादा लेके आता रहूंगा। अक्सर लोग कहते हैं हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो 100% आप गलती करते हैं वो उस चीज में गलती करते हैं जो कि 70% काउंट करती है। जो 70% चीज काउंट करती है वो आपकी डाइट है। डाइट भी आपकी बॉडी टाइप के मुताबिक, हर एक की एज के मुताबिक, वेट के मुताबिक, हाइट के मुताबिक और उसकी मेडिकल इश्यूज को देखते हुए हर एक की डाइट डिफरेंट है, क्योंकि हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट है। मजीद एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा, आसान एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा और वो एक्सरसाइज लेके आता रहूंगा जो कि आप इजीली घर में भी लगा पाए। मैं विकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक इतना, हाफिज़।